असलकम आप देख रहे हैं सोशल मोटिवेटर चैनल आज की वीडियो में बात करेंगे मिस्टाइटस और अडर अडीमा के दरमियान फ़र्क यानी कि डिफरेंस बिटवीन मिसटाइटस एंड अडर अडीमा मिसटाइटस का ये आप केस देख रहे हैं मिसटाइटस या सो से होवाना या जहरबाज़ ये जानवर को बैक्टीरिया की वजह से होता है इन्फेक्शन होती है इसमें ये आप मिस्टाइटस का केस जो देख रहे हैं इसमें जानवर के थनों पे सोजश है और इस हाथ लगाएंगे तो ये गर्म महसूस होगा इसको हाथ लगाने से ये गर्म महसूस होगा जबकि जो अडरडीमा होता है उसमें ये अडरडीमा का आप भैंस में देखेंगे ये अडरडीमा होता है अडरडीमा में कैल्शियम या फास्फोरस या मिनरल्स की ज़्यादती की वजह से जानवरों में ये सोजश जो नाफ़ है या अडर से थोड़ा सा आगे बज दफ़ा अडर पे भी ये सोजश होती है मगर इसमें जो अडर है या वो सोजश वाली जगह है वो गर्म नहीं होती ये आप देख रहे हैं अब इसका इलाज क्या है इसके लिए अडर डीमा इसका देसी इलाज हम आपको बताएंगे, ये आप जड़े देख रहे हैं ये असगंद नगोरी अशोक गंदा या इसको आक्सन भी कहते हैं इसकी जड़ें इसको बरीक बारीक काट लेंगे कम से कम तीन किलो जड़ें होनी चाहिए इसको आप इस तरह कटर से काट लेंगे तीन किलो जड़ों को किसी बर्तन के अंदर खुले बर्तन के अंदर डालेंगे इस तरह इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे तीन किलो जड़ों को उसके अंदर छः किलो पानी डालेंगे और उनको अच्छी तरह से पकाएंगे जब पानी तीन किलो रह जाएगा तो उस पानी को साफ़ करके पुनः छानने के बाद आप जानवर को तीन दिन मुसलसल पिलाएंगे इन तीन दिन पिलाने से उस जानवर के जो अडर डीमा है सोजिश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसके लिए आपको अडर में आक्सन के साथ अगर मीठा सोडा का इस्तेमाल किया जाए मीठा सोडा या सोडा बाई कार्बोनेट उसकी डोज़ आपने क्या रखनी है उसके लिए पचास ग्राम तीन दिन पचास पचास ग्राम यानि कि जानवर को आपने डेढ़ सौ ग्राम तीन दिन के अंदर खिलाना है और उसके साथ ये अक्सन का पानी देंगे तो इन जानवर को बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा यानि कि फ़ाका होगा इन श्ला तीन दिन के अंदर स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जानवर के जिसम पे जो रेडनेस होती है उसके जिसम पे जो आप देखेंगे कि एलर्जी टाइप होती है मीठा जहरबाद भी उसको कहते हैं इन बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये आप अक्सन का पौधा देख रहे हैं इसको फूल लगे हुए हैं फल भी लगा हुआ है ये आप इस्तेमाल करें इनशल फाका होगा